वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, आज की हम सभी बच्चों ने छुट्टी कर ली, लेकिन भूमि और दिशा स्कूल में गए हुए हैं। क्योंकि है ना, सुबह इतनी तेज। देखो मम्मी को अफसोस हो रहा है। किस बात का अफसोस हो रहा है आपको बताओ? और किस स्कूल माना गया? चलो पर आज यो काम हो गया तुम्हारा, ये बच्चे लेकर जाने थे भाई, कोई सरकारी काम करवाना था, आज वो काम हो गया। तब निकी तो नाली थी, सुबह इतनी तेज बारिश आ रखी थी 6:30 बजे 6:30 के आसपास इतनी तेज बारिश उठ रही थी। नहीं मम्मी बता रही थी मुझे, बेटी को छुमी बरसा था, मम्मी ने कहा कि इतनी बारिश में भेजेंगे तो कहीं हम बीमार ना हो जाए, इसीलिए फिर मम्मी ने छुट्टी कर। और 7:30 के अराउंड है ना, बारिश रुक चुकी थी और एकदम मौसम खुल चुका था। 7:30 पर रुक गई थी, रुक गई थी, रुक गई थी। और है ना 8 बजे फोन में दिखाने दे, जब हम 8 बजे 8:15 थी ना, तो मम्मी को लगा भेज दू केज में, फिर मम्मी ने उठाए, फिर पूछी जाओगे के मुका मम्मी के जाओगे कर ले। तो गाइज मैं यहाँ पे अपना सूट ट्राई करने आई हूँ। हेलो गाइस, फिर भी अपना एक आदमी ने तो सोच लिया है, बात होती है। ये मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन है, छोटी ना है मगर मुझ है तेरे ऊपर की लग है। गाइस गलती मत करते ना, इसे बड़ी समझ ले कि ये है छोटी ना, छोटी तो लग रही है। हाँ अभी तो फोन निकिता, तो वहां अपना वो ब्लैक सूट पहन के देख ले, ब्लैक सूट तेरे पे कैसा लगेगा, फिर मैं ब्लैक सिलवा दूंगी तेरा। ठीक है, नीमा अपना सिल लूंगी। सही है, तो चलिए गाइस मैं ट्राई कर लेती हूं। एक तो सील दिया, कोई सा तो तेरा होगा, पर ले जो दोनों तू पर ली है। ठीक है तो चलिए गाइस मैं ट्राई कर लेती हूं। हमारे घर पे चोर घुस आया गाइस, देखो, और मम्मी बैठी बैठी आवाज लगा रही है कि क्या हुआ। सॉरी मैं चोर घुसया, चोर चूहा है, बिल्ली है, कुछ ले दिक्कत है। निकी कौन है चोर? चप्पल लेके जा मार उसे, हमारी बंदूक कहां है? आई तेरी मम्मी वाला फोन की तरह है, मिले निकी दी आई, हमारी बंदूक कहां है? हमारे घर में आ रही है। चलो ना, आपने वो करा आज डाल दिया, डाल दिया लेकिन नेट स्लो चल रहा है। हाँ मौसम की वजह से ना। तो हेलो गाइस, बाहर का वेदर दिखा गाइस। गाइस हमारे घर में बहुत सारे उठना पड़ेगा, गाइस मैं घुसे हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, ये देखो नोटबुक भी है। वहाँ पे चले गए थे, वहाँ पे कुछ काम था तो वहाँ पे चले गए थे, 1 बजे तो वहीं से आए थे। हमारे घर का चोर दिखाते गाइस, चलिए आ जाओ। ये हमारे घर का चोर किचन में, तूने डाका मारा? हाँ ए डाकू, क्या डाका मारा तूने? देखो दिखा भी नहीं रहा है, क्या डाका मार दिया, ऐसा ही गुटिया चोर है ये। चलो गाइस, अनप्रोफेशनल चोर है ये, तो चोरी करनी भी नहीं आती, बता नहीं क्या चोर है, इसे चोरी करनी सिखानी पड़ेगी। ओके तो चलिए गाइस आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए बोल रही है ना, ये क्या हवा चल रही है, आप देख सकते हैं वो पेड़ पौधे हिलते हैं, हवा चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, धूप हल्की हल्की निकली हुई है। और ये देखिए बालकनी आज हमने साफ कर दी, आज हमने बालकनी साफ करी थी हमने, नहीं मतलब मम्मी ने। और मम्मी अंदर मुझे बुला रही है, पता नहीं क्या कह रही है मम्मी। हाँ मम्मी जाने की तरह नलका बंद, मम्मी इतनी अच्छी हवा चल रही है, अब तो खुल जाएगा ना मम्मी वेदर, आप बताओ। और आप पीछे आने में नोटबुक्स देख सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी गाइस, मैं इतनी पढ़ाकू आपको बच्ची हूँ, और आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। एक तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, हवा चल रही है और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है गाइस। शॉर्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा मौसम है, और मैंने अभी तक शॉर्ट्स भी नहीं बनाया, तो चलिए गाइस अब मैं सोच रही हूँ शॉर्ट्स बनाने की, तो चलिए गाइस अब मैं ना शॉर्ट्स बना। देखो ना गाइस कितनी पढ़ाकू बच्ची हूँ, हर टाइम पर पेन साथ में रखती हूँ। कैसे अटकाते इसे? हाँ अटक गया, पेन को कैसे अटकाते ये पूछ रही थी। पेन को ऐसे नहीं, मैं अटकाऊंगी ना, छोड़ मैं अटकाऊंगी ना, मैं अटकाऊंगी ना, मैं अटकाऊंगी ना, पिटेगी चल करूंगी, चल दे मैं टकरूंगी, लेकिन मारूंगी, मार लिए तो गाइस आप पीछे मेरे तनाव के हो रहे थे अरे, मैं यूं देखो मारूंगी, मैं यूं देखो मारूंगी, मैं यूं देखो शर्मा मारूंगी, मैंने फेंक दूंगी पेन ने भगा, मेरा कितने नुकसान होगा, मेरा ना ये मैंने दोस्त लिया था, मेरा पेन खत्म हो गया, शर्म कर ले गाइस, मैं क्या करूं, मेरा पेन खत्म हो गया था तो अपनी फ्रेंड से। तो गाइस ये हमारा घर नहीं, हमारा बालकनी है, और गाइस
हमारा नहीं हमारी ए तुम स्कूल में करके जाओगे इस बार इसकी फीस क्यों भर रहे हैं मेरे बड़े पापा शूट बीच में रह गया था तो मैं ये कह रही थी पता नहीं बड़े पापा इसकी फीस क्यों भर रहे हैं ये नहीं पता गा की किसके आगे गा लगेगा किसके आगे घी लगेगा आपके आगे क्या लगेगा ये नहीं पता मैं बस शर्म नहीं आती कैसे पागल है कोई नहीं बेटा कोई चलो अब शॉर्ट्स बना ले बेटा टाइम को न्यूट्रलाइज और मेरे बाल देखो गाइस कितने एकदम भूतनी लग रही हूं ना भूतनी लग रही हूं ना कमेंट करके बता दा बस ना फिर लवण्या से वो प्रिय वो उड़ जाएंगे बेटा तुम शरारत बहुत करो मम्मी हां ऐसे कह रहे हो ये बात तेरे बारे में भी करूंगी हां फिर मारा आह जाओ गाइस आपका आवाज सुनी ना इससे कितनी तेज मार बस ही पे चलो आगे से ऐसी हरकत हुई तो पिटा गए उसकी थूक है ना हाथ में लग के इतनी लंबी आ गई तो चलिए गाइस अब मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा है और इतनी नहीं आती इतनी नहीं आती पर आप जब 25-23 हो गए ना तो फॉलोअर्स घट गए हाँ हम ज्यादा खुश हो रहे हैं सारा डिसलाइक करो गाइस देख लो आप सभी के सामने क्या हो रहा है भेदभाव हाँ देख तो दूध पहले दिया है पाँच बेटे को दिया है मैं तो नाराज हूँ मम्मी आपसे जाओ लेते हैं अच्छा मैं शानी बेटी हूँ नहीं मम्मी मैं नाराज नहीं हूँ आपसे मैं शानी बेटी हूँ आपकी यहाँ पे कैमरा का देख के डांट मारो तू ले है कैमरा चालू कर दी है और क्या तो चलिए गाइस इससे पहले मुझे और डांट पड़े आपके सामने तो देख लो ये मुझे इतनी डांट पड़ती है तो पीछे से कितनी डांट पड़ती होगी मुझे शुभ रात्रि आप सभी को चलिए तो गाइस देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं तो नहा ली हूँ और नितेश नहा रहा है अभी और अब फिर हम जाएंगे स्कूल में ये मम्मी आपके कुकर की सिट्टी है ना मम्मी मम्मी ये आपके कुकर की सिट्टी तभी बहुत आएंगी जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ हर व्लॉग में आपके कुकर की सिट्टी की आवाज़ जरूर आती है और गाइस अब मेरे साथ बड़ी कन्फ्यूजन ये हो चुकी है टाई बनानी है मुझे आती है गाइस ऐसा मत समझो कि मुझे नहीं आती लेकिन मुझे ये नहीं पता सीधी बनाते हैं उल्टी बनाते हैं मुझे वो आता है वो ऐसे जो बांधते ना वो आता है मुझे हाँ बांधना आता है लेकिन ये नहीं पता सीधी बनेगी या उल्टी मैंने ट्राई करा और वो उल्टी बन गई तो मेरी मम्मी ने कहा कि इसमें टाइम पास मत कर और कुछ और काम कर ले तू इतने क्योंकि नितेश को आते टाई बनानी अच्छे से तो वो बना देगा तेरे लिए फिर मैं उसे इसलिए नहीं कहती उसके फिर है ना इतने नखरे हो जाते हैं गाइस बस बस वो सुन लेगा फिर तो जरूर हो जाएंगे ना हो जाएंगे मम्मी मैं अपने कान ना मैं सोने के पहनूं हाँ स्कूल से आके ही पहनूंगे ठीक है और मम्मी क्या बना रहे हो बेटा मैंने बनाई है आलू आलू मिक्स सब्जी बनाई है मिक्स वेजिटेबल और रोटी बना रही हूँ तुम्हारे लिए ठीक खा लियो और टिफिन पैक कर दूंगी तो गाइस आज आपको ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ बाहर आज धुंध हो रखी है उस दिन तो कितनी अच्छी सुबह हो रखी थी ना सूरज निकला हुआ था लेकिन ये देखो गाइस मेरे पीछे कितनी धुंध है आज तो बहुत ज्यादा ही धुंध है ओ मैं तो काली आ गई आज तो बहुत ज्यादा ही धुंध है आज क्यों ना गए तुम शादी में कल क्यों नहीं गए हम शादी में कल बारात में क्यों नहीं गए बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ हम इसलिए नहीं गए क्योंकि भाई फैमिली में जो हमारे काकी लग गए भाई उनकी डेथ हो गई थी तो हम वहाँ जा रहे थे इसलिए बस पापा पापा गए हम कोई भी नहीं गया कल शादी में इसीलिए ना कोई ब्लॉग शूट करा हमने कल कुछ नहीं किया मतलब ऐसा ही दिन हो जाता है सभी समझते होंगे भाई घर में ऐसा ही माहौल हो गए थे बस तो इसीलिए कोई ब्लॉग शूट नहीं करा और इसीलिए प्रियांशी स्कूल भी नहीं गए भेजे कल कल क्या वहाँ छुट्टी हो गई थी गाइस और गाइस अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ क्या टाइम हो चुका है 7:20 है ओ 8:00 में सॉरी 8:20 है
और अभी मुझे रेडी होना है, फिर वीडियो अपलोड करनी है, काम बहुत सारे हैं, लेट हो गई तो डांट पड़ेगी, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा उछल रही हूँ कि मैं एक आवाज़ में उठ जाती हूँ, एक आवाज़ में उठ जाती हूँ, इसलिए अब मैं काम कर लेती हूँ गाइज, नहीं तो फिर मुझे पड़ेगी डांट।